Hello friends and welcome back to my English class. So as you all know, we are reading the chapter No More About Iniki or Jane. तो हम यहाँ पे भील समुदाय, भील जनजाति है उसके बारे में इस चैप्टर में हम जानने वाले हैं. कई सारी इंटरेस्टिंग सी बातें, इंटरेस्टिंग फैक्ट्स जानने वाले हैं कि उनका रहन सहन, उनकी जीवन शैली वगैरह कैसी. तो आइए पढ़ते हैं चैप्टर नो मोर अबाउट. तो बच्चों, जैसा कि आप जानते हैं, पिछले सेशन में हमने पढ़ा था कि जो जाम सिंह है वो उस गांव में आए हुए एक विजिटर को अपने बारे में जानकारियां दे रहा है, अपने भील समुदाय के बारे में. तो वो अपने जो उनके घर होते हैं उनके बारे में बता रहा होता है, किस तरह के घर बने होते हैं, कैसे क्या चीजें यूज की जाती है. तो आइए पढ़ते हैं इसके आगे. देर इज ऑलवेज अ कैटल शेड एडजॉइनिंग अ हाउस, यानी कि हमेशा घर के पास जो है एक कैटल शेड होती है. कैटल शेड यानी कि जो गाय, भेड़, बकरियां वगैरह होती हैं, उनको रखने के लिए एक शेड, उनके लिए एक बाड़ा वगैरह जो बनाया जाता है. एडजॉइनिंग अ हाउस यानी घर के बिल्कुल पास में. सम पीपल कंस्ट्रक्ट पक्का एंड सेमी पक्का हाउसेज ऑल्सो. और कुछ लोग पक्का और सेमी पक्का यानी कि पक्का कच्चा मिक्स ऐसा वाला घर बनाते हैं. Will you please tell me which other tribal people live in Madhya Pradesh? तो विजिटर जो है वो पूछता है कि क्या आप मुझे और बताएंगे कि कौन कौन से और ऐसी जनजातियां हैं, जनजाति के लोग हैं जो मध्य प्रदेश में रहते हैं. जाम सिंह कहता है, अदर ट्राइब्स विच लिव इन मध्य प्रदेश आर गोंड्स, कोरकूज, बाइगास, भरियाज एटसेट्रा. तो ये सारी ट्राइब्स, ये सारी जनजातियां भी मध्य प्रदेश में रहती हैं. विजिटर सेज, आई हैव हर्ड अबाउट गुदानी, बुंदनी एंड चीना, वॉट आर दे. तो कहता है कि मैंने गुदनी, बुंदनी, चीना के बारे में सुना है, ये क्या है. जैम सिंह बताते हैं, दीज आर आर्ट फॉर्म्स ऑफ कोरकूज एंड गोंड्स. तो वो कहता है कि कोरकूज और गोंड्स जो जनजातियां हैं उनके ये आर्ट फॉर्म्स है, यानी कि कला के फॉर्म है. कोरकूज डेकोरेट देयर डोर्स बाय गुदनी. जो कोरकू होते हैं वो अपने घरों के दरवाजों को डेकोरेट करते हैं, सजाते हैं. गुदनी एक आर्ट फॉर्म है उससे. एंड देयर वॉल्स बाय बुंदनी, और उनकी जो दीवारें होती हैं घर की वो बुंदनी इस कला के प्रकार से सजाते हैं. एंड चीना इज अ कलरफुल वॉल पेंटिंग ऑफ द गोंड्स. और चीना जो है वो गोंद लोगों की सुंदर सी, रंगीन सी वॉल पेंटिंग, यानी कि दीवारों की जो पेंटिंग होती है वो है. Visitor says, nowadays these art forms are getting recognition at the international level also. तो वो कहता है कि आजकल, आज के समय में ये जितने भी आर्ट फॉर्म्स है, जो कला के फॉर्म्स हैं, इन सबको रिकॉग्निशन मिल रही, पहचान मिल रही है इंटरनेशनल लेवल पे, यानी अंतरराष्ट्रीय स्तर पर भी इनको पहचान मिल रही है. आई थिंक पीमा फातिया एंड राम सिंह उर्वेती ऑल्सो बिलोंग टू योर सोसाइटी. तो कहते हैं कि मेरे ख्याल से पेमा फातिया और राम सिंह उर्वेती भी आप ही के समाज को, आप ही की सोसाइटी को बिलोंग करते हैं, आप ही की सोसाइटी से हैं. पेमा फातिया इज अ भील आर्टिस्ट बट राम सिंह उर्वेती इज अ गोंद आर्टिस्ट. तो बताते हैं जाम सिंह कि पेमा फातिया भील आर्टिस्ट है, भील कलाकार है, लेकिन राम सिंह उर्वेती जो है वो एक गोंद कलाकार है. विजिटर, समवेयर इन अ मैगजीन आई केम अक्रॉस अ वर्ड गतला, व्हाट इज इट. तो पूछता है कि मैंने कभी किसी मैगजीन में पढ़ा था एक शब्द गतला. गतला मैंने कहीं तो भी पढ़ा था मैगजीन में, इसका क्या मतलब होता है, व्हाट इज इट, ये क्या है. एक्चुअली इट इज अ मेमोरी पिलर विच इज स्टोन कार्व्ड एंड ऑयल पेंटेड. तो जैम सिंह बताता है कि असल में ये एक मेमोरी पिलर है, यानी कि किसी की याद में बनाया हुआ पिलर, खंबा है, जो कि स्टोन कार्व्ड होता है ना, यानी कि पत्थर पे जो कार्विंग होती है वो होता है, एंड ऑयल पेंटेड. It is erected by the Bhils in the memory of a family member who has met with an unnatural death. Bhil लोग इसको erect करते हैं, खड़ा करते हैं, इस खंबे को बनाते हैं अपने किसी परिवार के प्यारे सदस्य के लिए, जो कि अकाल मृत्यु, unnatural death, जिसकी अचानक से मृत्यु हो गई हो, उसकी याद में ये बनाया जाता है गतला. Tell me something about your dresses. Then he says कि आपके कपड़ों के बारे में, आप जो ड्रेसेस पहनते हैं उसके बारे में कुछ बताइए. जाम सिंह कहता है, ओ यस, द मैन वेयर धोती बंडी एंड कलर्ड टर्बन, एंड द फीमेल्स वेयर कलरफुल घाघरा विद पोलका, कांचली एटसेट्रा. तो कहते हैं, ओ हाँ, जो आदमी होते हैं वो लोग धोती बंडी और जो है रंगीन पगड़ी पहनते हैं, टर्बन इस पगड़ी, और जो औरतें होती हैं वे लोग सुंदर कलरफुल रंगीन घाघरा पहनते हैं विद पोलका, कांचली, इन सब के साथ.
आई हैव हर्ड दैट यू पीपल आर वेरी फॉन्ड ऑफ ऑर्नामेंट्स. मैंने सुना है कि आप लोग जो है ऑर्नामेंट्स यानी कि जो गहने होते हैं उसको आप लोग बहुत पसंद करते हैं. देखिए यहाँ पे कितने अलग अलग तरह के गहने दिख रहे हैं जो ये लोग पहनते हैं. तो वो कहता है जाम सिंह, यस वी आर वेरी फॉन्ड ऑफ ऑर्नामेंट्स. तो कहते हैं हाँ हमें जो है गहने बहुत ज्यादा पसंद है. बोथ मैन एंड वुमेन वेयर इयर रिंग्स एंड फिंगर रिंग्स. आदमी और औरत दोनों लोग जो है यहाँ पे इयर रिंग्स यानी कि कान के जो होते हैं रिंग्स है ना वो, और फिंगर रिंग्स और जो अंगूठियां होती है पहनते हैं. अदर ऑर्नामेंट्स आर हसली, हार, झुमका, नोजपिन एटसेट्रा. इसके अलावा जो गहने पहने जाते हैं वो है हसली, हार, झुमका, नोजपिन यानी कि जो जो नाक की जो पिन होती है नोजपिन उसको बोलते हैं. आप देख सकते हैं इस पिक्चर में कि कितना गहने पहने हुए है ये लेडी. इट सीम्स दैट टैटूज आर क्वाइट कॉमन इन योर सोसाइटी. तो कहते हैं कि ऐसा लगता है कि जो आपकी समाज है उसमें टैटूज जो होते हैं वो भी बहुत कॉमन है, बहुत आम बात है. जाम सिंह, यस इट इज क्वाइट कस्टमरी अमंगस्ट अस, वी कॉल इट गुदना. तो कहते हैं हाँ ये हमारे एक कस्टम का हिस्सा है ना, ये कस्टम है हमारा और हम इसको गुदना कहते हैं. आई विल बी प्लीज टू नो मोर अबाउट योर फेयर्स एंड फेस्टिवल्स. तो विजिटर कहता है कि मैं बहुत खुश होऊंगा और ज्यादा जानकारी हासिल करके आपके जो मेले हैं जो त्योहार है उन सब के बारे में. वी सेलिब्रेट दिवसा, दिवाली, नवई. तो ये सारे फेस्टिवल्स के नाम है. कहते हैं कि हम ये मनाते हैं दिवसा, दिवाली, नवई. अ फेस्टिवल व्हेन पीपल स्टार्ट कंज्यूमिंग कॉर्न एंड अदर एग्रीकल्चरल प्रोडक्ट्स, वेजिटेबल्स एटसेट्रा आफ्टर ऑफरिंग देम टू गॉड. तो ये क्या है नवई, अ फेस्टिवल एक त्योहार है जब लोग जो है स्टार्ट कंज्यूमिंग कॉर्न. कॉर्न यानी क्या होता है मक्का, मकई, मकई को कंज्यूम करना, मकई को यूज करना स्टार्ट कर देते हैं और अदर जितने भी और भी जितने एग्रीकल्चरल प्रोडक्ट्स हैं है ना, और भी जितनी चीजें खेतों वगैरह में आती है उनको, सब्जियों को है ना, इस तरह की चीजों को यूज करना शुरू कर देते हैं. लेकिन आफ्टर ऑफरिंग देम टू गॉड, जब भगवान को भोग चढ़ा देते हैं, ऑफर करते हैं, उसके बाद वो उसका यूज करना स्टार्ट करते हैं. आई हैव हर्ड अ लॉट अबाउट द भगोरिया हाट, वॉट इज दैट. तो कहते हैं मैंने बहुत सुना है भगोरिया हाट के बारे में, ये क्या है. द वीकली मार्केट अ वीक बिफोर होली इज सेलिब्रेटेड एज भगोरिया. तो जाम सिंह कहता है कि जो वीकली मार्केट होता है यानी कि होली के पहले, होली के एक हफ्ते पहले वीकली मार्केट यानी कि शनिवार रविवार ऐसे होता है ना, इज सेलिब्रेटेड एज भगोरिया. तो उसको भगोरिया कहते हैं. वी डांस, अप्लाई गुलाल ऑन द फेसेस ऑफ आवर रिलेटिव्स एंड फ्रेंड्स. तो हम नाचते हैं, हम गुलाल लगाते हैं अपने रिश्तेदारों और मित्रों के चेहरे पर. एंड ऑफर देम स्वीट्स एंड स्नैक्स, आइस कैंडीज एटसेट्रा. और इसके साथ ही हम उनको मिठाई, नमकीन और आइस कैंडीज जो है ये सब उनको हम देते हैं. द चिल्ड्रेन एंजॉय अ राइड ऑन द स्विंग्स. और इसके साथ ही बच्चे जो है वो बहुत ही एंजॉय करते हैं स्विंग्स पे राइड यानी कि झूले वगैरह जो होते हैं उसपे. पिक्चर में आप देख सकते हैं कि नाच गाना हो रहा है और ये झूला लगा है इतना बड़ा. विजिटर, तीजन बाई इज अ फेमस ट्राइबल सिंगर ऑफ पंडवानी म्यूजिक, विच डांस फॉर्म्स आर पॉपुलर अमंग भील्स. तो वो कहता है कि तीजन बाई, आपने नाम सुना होगा तीजन बाई का, वो एक बहुत ही प्रसिद्ध जनजाति की सिंगर है पंडवानी म्यूजिक में. पंडवानी म्यूजिक में वो बहुत ही बड़ी गायिका है. और कौन से डांस फॉर्म्स हैं जो कि भील में, भील लोगों में बहुत पॉपुलर है, फेमस है, प्रसिद्ध है. सोलो इज अ फेमस डांस ऑफ भील्स. तो वो बताता है कि सोलो जो है बहुत ही प्रसिद्ध डांस है भील्स का. अदर डांस फॉर्म्स विच आर पॉपुलर अमंग द भील्स आर लहरी, पाली, दंडवडी, घोड़ो, डांग सोलो एंड छलवदी. तो ये सारे जितने भी नाम लिए मैंने ये सब और इनके भील लोगों के डांस फॉर्म्स है जो बहुत फेमस है. रानी दुर्गावती वॉज अ फेमस रूलर ऑफ द गोंड डायनेस्टी. तो वो कहते हैं कि रानी दुर्गावती जो थी वो एक बहुत ही प्रसिद्ध रूलर थी, शासिका थी, शासक थी गोंद डायनेस्टी की, गोंद राज्य की. द पैलेसेज आर डिफरेंट एंड डिफरेंट फोक लोर्स रिलेटेड टू द रूलर्स ऑफ द डायनेस्टी थ्रो सम लाइट ऑन द एडमिनिस्ट्रेटिव एबिलिटी, ब्रेवरी एंड मैच्योर लीडरशिप. तो उन्होंने जो पैलेसेज बनाए, द पैलेसेज यानी कि महल, और जो अलग अलग जो फोकलोर से जो कहानियां हैं, जो जितनी बातें अभी तक सुनाई देती हैं, जो कि राजाओं से, रूलर्स यानी कि जो जिन्होंने शासन किया, शासकों से जुड़ी हुई बातें इस डायनेस्टी की, वो जो है क्या करती है, थ्रो सम लाइट, वो प्रकाश डालती है उनके एडमिनिस्ट्रेटिव एबिलिटी पे कि वो लोग कितने अच्छे शासक थे, उनके साहस का और मैच्योर लीडरशिप का कि उन्होंने कितना अच्छा नेतृत्व किया.
Jam Singh says, yes, the tribals of MP are known not only for their glorious culture, heritage, and their colorful lifestyle, but also for their administrative system within their societies. तो वो कहते हैं कि हाँ, जो मध्य प्रदेश के जो ट्राइबल्स हैं, जो जनजातियां हैं, वो सिर्फ अपने गौरवपूर्ण इतिहास के लिए, गौरवपूर्ण कल्चरल हेरिटेज यानी कि सांस्कृतिक जो विरासत है, सिर्फ उसके लिए नहीं जानी जाती, और उनके जो रंगीन, जो कलरफुल लाइफ स्टाइल है, जो हमारा रहन सहन, उसके लिए नहीं जानी जाती, लेकिन इसके साथ ही उनके जो एडमिनिस्ट्रेटिव सिस्टम है, जिस तरह से वो बहुत अच्छी तरह से शासन करते हैं विद इन देयर सोसाइटीज, अपने समाज के बीच में, उसके लिए भी जानी जाती है. Now I have to go because my nephew who had gone to exhibit his paintings in UK is about to come. तो अब मुझे जाना होगा क्योंकि मेरा जो भांजा है, जो कि यूके में गया था, यूनाइटेड किंगडम में गया था अपनी पेंटिंग्स का एग्जीबिशन करने, वो अब आने वाला है. विजिटर, थैंक यू जाम सिंह, यू आर वेलकम सर. तो ये तो थी हमारी चैप्टर. नो कल्चर कैन लिव इफ इट अटेम्प्ट्स टू बी एक्सक्लूसिव, यानी कि अगर कोई भी कल्चर, कोई भी संस्कृति जो अगर अकेले रहना चाहेगी तो वो नहीं रह सकती, सबके साथ मिलजुल के ही वो आगे बढ़ सकती है. अब बच्चों, हमने चैप्टर पढ़ लिया है, आइए इसी से रिलेटेड कुछ क्वेश्चन आंसर्स के पार्ट को भी देख लेते हैं. सो इन द लास्ट सेशन वी हैव डन सम क्वेश्चन आंसर्स फ्रॉम द कॉम्प्रिहेंशन सेक्शन. लेट्स डू इट अगेन. मेंशन सम ऑफ द नेम्स ऑफ द ट्राइबल पर्सनैलिटीज हु हैव गॉट रिकॉग्निशन एट इंटरनेशनल लेवल, यानी कि कुछ ऐसी ट्राइबल पर्सनैलिटीज, जनजातीय जो पर्सनैलिटीज हैं, जो जिन लोगों ने बहुत ही नाम कमाया है अंतरराष्ट्रीय स्तर पे, उनके नाम बताने हैं. सम ऑफ द ट्राइबल पर्सनैलिटीज हु हैव गॉट रिकॉग्निशन एट इंटरनेशनल लेवल आर, तो ऐसी जो हस्तियां हैं जिन्होंने अंतरराष्ट्रीय स्तर पे नाम कमाया, वो हैं पेमा फातिया, राम सिंह, उर्वेती, रानी दुर्गावती एंड तीजन बाई. नेक्स्ट क्वेश्चन, राइट अ शॉर्ट नोट ऑन द भगोरिया हाट. भगोरिया हाट पे एक छोटा सा नोट लिखना है. द वीकली मार्केट अ वीक बिफोर होली इज भगोरिया हाट. The villagers dance, apply gulal on the faces of their relatives and friends and offer them sweets and snacks, ice candies, etc. The children enjoy the ride on the swings. तो इसमें भगोरिया हाट के बारे में बताया गया है, जो चीजें हम पढ़ चुके हैं कि होली के हफ्ते भर पहले, एक हफ्ते के लिए ये हाट चलता है. बच्चे मजे करते हैं, लोग अपने रिश्तेदारों के और अपने दोस्तों के मुंह पे गुलाल लगाते हैं, उनको मिठाइयां देते हैं, नमकीन देते हैं, और इस तरह की बातें इसमें बताई गई है. नाउ सी द नेक्स्ट इज से यस और नो, यानी कि हाँ या नहीं, है ना, इसमें बताना है आंसर सिर्फ. डू द भील्स लिव इन पक्का हाउसेस, क्या भील पक्का हाउसेस में, पक्का घरों, पक्के घरों में रहते हैं? यस, हमने पढ़ा था कि रहते हैं. आर दे फॉन्ड ऑफ टैटूइंग, क्या उनको टैटू करना पसंद है? यस. आर द भील्स प्रोफिशिएंट इन स्टोन क्राफ्ट, क्या उनको स्टोन क्राफ्ट आता है बहुत अच्छे से? नो, उनको बहुत अच्छे से नहीं आता है. इज तीजन बाई फेमस फॉर सिंगिंग पांडवानी, क्या तीजन बाई पांडवानी गाने के लिए प्रसिद्ध है? यस. डू द भील्स लाइक कलरफुल ड्रेसेस? यस. तो भीलों को क्या रंगीन कपड़े पसंद है? हाँ. तो बच्चों, आज जो है हमने ये जो चैप्टर था पूरा, हमने रीडिंग पोर्शन कर लिया है, और कितनी ही बातें हमने जानी है भील जो हमारी जनजाति है उसके बारे में, उनका रहन सहन, उनका, उनके त्योहार, वो कैसे रहते हैं, क्या पहनते हैं, है ना, और उनके घर कैसे हैं, उनके कौन कौन से कल्चर, आर्ट वगैरह के बारे में हमने जाना है. तो अगले सेशन में हम एक्सरसाइज पार्ट स्टार्ट करेंगे. तब तक के लिए टेक केयर ऑफ योरसेल्फ एंड हैव अ नाइस डे. थैंक यू, बाय बाय.